हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पो करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज की बात करने वाले हम लोग जो फिर वर्टूसा एंड परसिस्टेंस की तरफ से फिर हायरिंग देखने को आई। बता दो फिर ये जो हायरिंग आई आपके एनक्यूटी टीसीएस आयोन के प्लेटफॉर्म पर आई है। तो फिर अगर आपने एनक्यूटी एग्जाम कभी भी आपने दिया होगा तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। और बताने वाला हूँ क्या ये अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में देखने को आएगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को आई है वर्टूसा की तरफ से, परसिस्टेंट की तरफ से। चलिए फिर करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। बता दो फिर अगर आपने एनक्यूटी एग्जाम कभी भी दे रखा होगा तो फिर आप लोग को इस तरह का मेल देखने को आएगा कि वर्टूसा इज हायरिंग एसोसिएट इंजीनियर चेन्नई हैदराबाद बैंगलोर, इतना ओपनिंग इनके पास है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर लोकेशन में लिखा रहता है, आप लोग जो है आप लोग जो जब लिंक रहता है वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है learning.tcsinhub.in पर जाकर जॉब्स के अंडर में जाकर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फिर देखेंगे तो आप एसोसिएट इंजीनियर पोस्ट के लिए पर हायरिंग कर रही वर्टूसा कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पैकेज की बात करूँ तो आपको 4 से लेकर 4.0001 का एलपीए का आपको, मतलब कि 4 लाख का पैकेज आपका होने वाला है। और कौन कौन एलिजिबल होने वाला है, तो बीटेक के 2019 2020 2021 2018 के बैच इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। ओके, CSE IT EC EEE के लोग इसमें एलिजिबल हैं। ये आपका हो गया है वर्टूसा की तरफ से। सेकंड बात करें फ्रेंड, आपको यहाँ पर जो हायरिंग दिखने वाली है परसिस्टेंट की तरफ से, जो कि हायरिंग कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड परसिस्टेंट लिमिटेड। ओके, यहाँ बता दो फ्रेंड, यहाँ पर देखेंगे तो 4.71 और 9 एलपी का पैकेज आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बता दो कौन कौन एलिजिबल है। फिर देखेंगे तो सर्किट ब्रांच ओनली फ्रॉम 22 बैच आर एलिजिबल, प्रीफर द कैंडिडेट टू बी महाराष्ट्र और कैंडिडेट हु कैन मूव पुणे एट लेटर स्टेज। ओके, तो बता दो फिर अगर आप लोग इन दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सिंपल फिर आपको जो यहाँ पर सिंपल आप मैं दिखाता हूँ आपको अप्लाई नंबर करना होगा, आपको फिर लॉगिन करके जो है आपको अप्लाई इसमें कर देना होगा। आप लोग जब अप्लाई करते हो आपके सामने कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 दिन के बाद आपके पास एक सर्वे मेल आता है कि आपको उसमें पूछा जाता है कि आप जो उसमें है जो है अपने NQT नंबर या फिर CET DT नंबर को डाल के फिलअप करके सबमिट करो। उसके बाद आपके सामने कोई भी रिप्लाई नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते तो अप्लाई करना फ्रेंड। बता दूं यहाँ पर यस ये हायरिंग कर रही है, आप लोग देखोगे तो फिर 20 ऑप्शनिंग है। अगर मैं परसिस्टेंट का देखूँ तो फिर बता दूं यहाँ पर आपका 150 ओपनिंग है, लेकिन अगर आप लोग 22 बैच के हो अप्लाई करते हो तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कितने लोगों को यहाँ पर देखने को आया है। ठीक है, तो फिर आप लोग देखोगे जॉब समरी, आप लोग एक बार अच्छे से जॉब समरी वगैरह देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे जॉब समरी में अगर आप लोग फुलफिल होते हो तभी आपके पास जो है फिर यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू मिल या फिर आपको एक असेसमेंट राउंड देखने को आएगा, ये डिपेंड्स करता है डायरेक्ट कंपनी के हाथ में। ठीक है, और यहाँ ज़्यादातर बता दो फिर यहाँ से रिप्लाई देखने को नहीं आता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीसीएस आयोन पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब हायरिंग करती है, कैसे हायरिंग करती है। अगर आप लोग अप्लाई करते हो इन दोनों रोल के लिए, चाहे वर्टूसा के लिए अप्लाई करो, चाहे आप इसके लिए अप्लाई करो, चाहे फिर आप लोग और भी बहुत सारे मल्टीपल कंपनी से हायरिंग करती है, आप लोग उसमें अप्लाई करो। अप्लाई करना ना करने के बराबर है, क्योंकि मैं बता दूं फिर यहाँ से रिप्लाई देखने को नहीं आने वाला। आप लोग बता दो जब टाटा एलेक्सी का हायरिंग आया था, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कितने लोगों का ऑफर लेटर आ चुका है आफ्टर फिलिंग द सर्वे मेल। आप लोग पास एक सर्वे मेल आया था ना कि सर्वे मेल पे फिलअप करो अपने NQT नंबर और CET DT नंबर देके, क्या उसके बाद अभी तक किसी के पास इंटरव्यू का मेल आया है? जहाँ तक मुझे पता है फिर ज़्यादातर, हाँ मे बी 1 से 2 लोगों को आया होगा जिसका पास जैसा किस्मत अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास कोई भी रिप्लाई देखने को नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा कम रहती है। और जिनके पास आता है रिप्लाई उन वो जो है जो लोग इतने सारे जॉब डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करते हैं। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर टीम वर्क, यहाँ पर देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी OOD, यहाँ पर देखोगे तो आपका ऑपरेशनल टेक्निकल आउथर, यहाँ पर डेवलप एन एक्सिस्टिंग प्रोग्राम, एनालाइजिंग आइडेंटिफाई ऑफ मॉडिफिकेशन, आप लोग इतना ज़्यादा होना चाहिए जॉब समरी, तभी फिर यहाँ से आपको रिप्लाई देखने को आएगा, अदरवाइज रिप्लाई देखने को नहीं आएगा। बहुत लोग सोच रहे सर ठीक है हायरिंग है तो हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई करो एक आपके पास एक जैसे टाटा एलेक्सी में आया था सर्वे मेल आएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ भी रिप्लाई नहीं आएगा। अगर रिप्लाई का आएगा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताना कि सर मेरे पास रिप्लाई आया था, 1 से 2 लोगों को छोड़कर बाकी किसी के पास जो है रिप्लाई नहीं आने वाला है। तो यहाँ से आप लोग चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, ऐसा मैं मना नहीं करने वाला हूँ कि आप लोग मत अप्लाई करो, आप लोग पैकेज को देखकर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ अप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, रिप्लाई नहीं आने वाला। फिर भी मैं इन दोनों का लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर अप्लाई जरूर करें, लेकिन रिप्लाई नहीं आने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले 2 से 2.5 साल में टीसीएस आयोन पर ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत पहले से वीडियोस बना रहा हूँ, इसी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नए रिप्लाई देखने को आएगा। आप लोग चाहो तो फिर अप्लाई करके देख सकते हो, अगर किसी का ऑफर लेटर आता है इंटरव्यू में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सबसे ज़्यादा जो जितने कैंडिडेट्स हैं सबसे ज़्यादा TCS के कैंडिडेट्स मेरे पास ज़्यादातर है, तो किसी को रिप्लाई देखने को नहीं आता। अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रिप्लाई नहीं आएगा ये आप लोग गारंटी रहना, मैं सच्ची बता रहा हूँ रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर हायरिंग करते हैं, लेकिन किसी से रिप्लाई नहीं आता, आता है 1 से 2 लोगों का आता है, ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई नहीं आता, ना के बराबर यहाँ पर आता है। जब एक बार हायरिंग हुई थी आपको पता होगा टीसीएस आयोन के प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ से भी हायरिंग नहीं आई थी। तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से अप्लाई करना चाहते हो, दोनों का लिंक दे दूँगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, आप लोग जाकर अप्लाई करना। अगर किसी का आता है इंटरव्यू में तो आप लोग मुझे बताना, यहाँ पर नो डायरेक्ट इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले आपका असेसमेंट होने वाला, उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में देखने को आएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू में उन्हीं को देखने को आएगा जो लोग इतने सारे जॉब समरी को फुलफिल कर रहे हैं, सबको डायरेक्ट इंटरव्यू में नहीं आता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये मत सोचना कि सर अप्लाई करूँगा डायरेक्ट इंटरव्यू में लाएगा, नहीं नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी, मिलते हैं आपको जिसमें। जय हिंद, जय भारत।